लुहांस्क और डोनेस में यूक्रेन और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। विद्रोहियों ने यूक्रेन पर रॉकेट अटैक का आरोप लगाया। ट्रॉली बस डिपो में गोलीबारी के निशान दिखे हैं। हमले में दो नागरिकों की मौत की खबर है। लुहांस्क में लगातार गोलीबारी की वजह से लोग शेल्टर में शरण लेने को मजबूर हैं। दावा है कि पिछले कुछ दिनों से बम धमाके और हमले बढ़ गए हैं। वहां विद्रोहियों का कब्जा है। यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों में कई दिनों से जंग जारी है। बेलगोरोड में रूसी सेना का भारी जमावड़ा देखा गया है। रूस की ओर से सीमा पर टैंक और होविट्जर तैनात रखे गए। उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास को खाली कराना शुरू कर दिया है। इससे युद्ध की आशंका और भी बढ़ गई है। युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन ने आज पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और अपने नागरिकों को रूस से बाहर निकलने का आदेश दिया है। कीव से जारी आदेश में मिलिट्री रिजर्व को भी बुला लिया गया है और रूसी सेना से युद्ध की तैयारी करने को कहा गया है। सिक्योरिटी काउंसिल ने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अतिरिक्त अधिकार दिए हैं, जिससे वो युद्ध होने पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। यूक्रेन ने इमरजेंसी का आदेश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक संबोधन के बाद दिया। पुतिन ने अपने सेना को डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे संबोधित किया और सेना की तैयारी की तारीफ की। उन्होंने अपनी सेना पर देश की सुरक्षा का पूरा भरोसा जताया, जिसे यूक्रेन में अटैक अलार्म की तरह लिया गया है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के 100 से ज्यादा मिलिट्री वाहनों को यूक्रेन बॉर्डर की ओर जाते देखा गया है, जिसमें रूस के सैनिक भी सवार थे। नाटो सेना ने दावा किया है कि रूस की ओर से लगातार सैनिक भेजे जा रहे हैं और अब तक यूक्रेन बॉर्डर पर 1,90,000 सैनिक जमा हो चुके हैं, जो बता रहा है कि रूस की सेना यूक्रेन पर कब्जे के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खारकीव रूस के सीधे टारगेट पर है। पुतिन के 10,000 सैनिक पहले ही लुहांस्क और डोनेस्क में दाखिल हो चुके हैं। उधर यूक्रेन इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि होरलिवका शहर में भी रूसी सेना पहुंच चुकी है। इससे यूक्रेन पर अधिग्रहण का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर पुतिन यूक्रेन को इन्वेड करने की नहीं सोच रहे होते तो उन्हें वॉर फ्रंट पर खून जमा करने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने ये बात रूस की ओर से सीमा पर बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे बेस अस्पताल को लेकर कही है। यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी फौज के लिए रूस लगातार ब्लड और मेडिकल सप्लाई कर रहा है, जो बताता है कि पुतिन ने किसी बड़े हमले और युद्ध की तैयारी कर रखी है। इससे पहले पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि उनकी सेना यूक्रेन के दो प्रांतों में शांति कायम करने के मिशन पर है। डोनेस्क और लुहांस में अस्थिरता है, जिसे खत्म करने के लिए रूसी सेना को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुतिन ने फिलहाल यूक्रेन के इन्वेजन प्लान को इनकार किया है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्लान यूक्रेन को जीनियस कहा है और साथ में उसे बहुत समझदार भी कहा है। कंजर्वेटिव पॉडकास्टर बक सेक्सटन से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और अगर मैं ऑफिस में होता तो रूस यूक्रेन को इन्वेड करने के बारे में कभी नहीं सोचता। उन्होंने ये भी कहा कि जब पुतिन ने यूक्रेन के दो प्रांतों को स्वतंत्र घोषित किया, अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भेजने का ऐलान किया, तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन देखते रह गए और हाथ मलते रह गए। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जो बहुत दुखद है। यूक्रेन के मामले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने ही स्पाई चीफ को सरेआम झिटक दिया। मॉस्को में सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग का डेली मेल वेबसाइट ने एक वीडियो जारी किया है। ये मीटिंग यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्र का भविष्य तय करने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर सर्गेई नेरिशकन से पुतिन तीखे सवाल करते दिखे। दरअसल स्पाई चीफ सर्गेई का कहना था कि जो चर्चाएं आज हो रही हैं, हमें उन पर कोई फैसला तत्काल लेना होगा। इस पर पुतिन ने उनसे पूछा कि उनके कहने का मतलब क्या है, क्या वो यूक्रेन से बातचीत शुरू करने की सलाह दे रहे हैं। पुतिन ने उनसे साफ लफ्जों में अपनी बात कहने का आदेश दिया और जब सर्गेई ने विद्रोही इलाकों को मान्यता देने का समर्थन किया तो उन्हें पुतिन ने बैठ जाने का आदेश दे दिया। रूस अमेरिकी टकराव के बीच चीन का मालामाल होना तय माना जा रहा है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी है कि रूस पर सैंक्शन लगाने के बाद रूस के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा चीन की ओर जाने लगा है। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस का ट्रेड डेटा रिव्यू बताता है कि 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का सीधा फायदा चीन को मिला था और चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा था। अब नए प्रतिबंधों के बाद रूस अपने नॉन डॉलर ट्रेड के लिए चीन से समझौता कर सकता है, जो चीन के लिए आपदा में अवसर की तरह साबित होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सुपर पावर बनना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती से उन्हें काफी फायदा हो सकता है। डोनेस्क और लुहांस्क के स्वतंत्र देश घोषित किए जाने के बाद आज आधिकारिक मान्यता के लिए रूस में आवेदन कर दिया गया। दिल्ली में रूसी दूतावास के उपप्रमुख ने बताया कि डोनबास के इन दोनों ही इलाकों की ओर से मान्यता के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन किया गया है।
लेकिन शुरू से ही अमेरिका ने यूक्रेन सहित पूर्व सोवियत संघ के देशों के घरेलू मामलों में दखल दी है। इस बीच लुहांस्क और डोनेस्क में यूक्रेन और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच झड़प जारी है। विद्रोहियों ने यूक्रेन पर रॉकेट अटैक का आरोप लगाया है और ट्रॉली बस डिपो में गोलीबारी के निशान देखे गए हैं। LPR के मुताबिक हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन संकट का रुख अब भारत की ओर भी बढ़ता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के रुख का रूस ने स्वागत किया है और कहा है कि भारत एक जिम्मेदार और संतुलित भूमिका निभा रहा है। रूस ने आज कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर भारत के विचार दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक गठजोड़ को प्रदर्शित करता है। रूसी मिशन के उपप्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उसने वैश्विक मामलों में स्वतंत्र एवं संतुलित रुख अख्तियार किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।